श्री राम की कहानी सुनने में लगती है नई, मगर है बरसों पुरानी। आ जाओ सारे काम छोड़ के, राम सीता की कहानी है ये। अयोध्या में आए एक दिन महर्षि गुरु विश्वामित्र। राम और लक्ष्मण को मैं अपना शिष्य बनाऊंगा, कुमार से वीर बनने की उन्हें मैं शिक्षा भी दूंगा। ये सुनकर राजा दशरथ और उनकी रानियां हुए प्रसन्न। वेद वेदांत और शास्त्रों का ज्ञान देखते ही देखते दोनों बने बुद्धिमान और बलवान। राम, आज तुम्हारे धनुर्विद्या की लेनी है मुझे परीक्षा। क्या तुम प्रस्तुत हो? हाँ गुरुदेव। जहाँ आयोजित किया गया था सीता का स्वयंवर, समय हुआ अब स्वयंवर का। जो ये महान शिव धनुष उठा सकेगा और प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, उसी से विवाह करेगी राजकुमारी सीता। लेकिन एक भी शिव धनुष ना उठा पाए। तभी गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद लिए आए श्री राम। उठाया उन्होंने शिव धनुष। राजा जनक आए राम के पास लेकर सीता को अपने संग। राम, तुम हो विजयी है, ये इस प्रतियोगिता का परिणाम। आज से राम के साथ लिया जाएगा सीता का नाम। स्वामी, मुझे वो हिरण चाहिए। मैं जाता हूँ हिरण को लाने। मेरे आने में जो देरी हो, लक्ष्मण तुम यही अपेक्षा कर सीता का ध्यान रखो। आप निश्चिंत होकर जाइए। लेकिन मरने से पहले उसने राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को पुकारा। सीते, लक्ष्मण, बचाओ! सीते, लक्ष्मण, बचाओ! लक्ष्मण, मैंने कहा था ना, राम पर आई है कोई बड़ी मुसीबत। जाओ जाकर उनकी मदद करो, कुछ और सोचो मत। ये लक्ष्मण रेखा किसी को देगी नहीं अंदर आने, आप इस रेखा के अंदर ही रहिए। भवती भिक्षाम देही। साधु ने अपनी असलियत दिखाई। वो साधु नहीं था, रावण था। वो संत नहीं था, पाखंडी था। भैया, भैया आप ठीक हो? आपकी पुकार सुनकर सीता मैया ने मुझे आपकी खोज में भेजा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हें सीता को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो हिरण एक मायावी राक्षस था जिसने मेरी आवाज की नकल की थी। जटायु ने बताया सीता का हुआ हरण, करके ले गया है रावण। निकल पड़े सीता की खोज में राम और लक्ष्मण दोनों भाई, और पहुंच गए किष्किंधा में। प्रणाम श्री राम, बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? प्रणाम वानर राज सुग्रीव। असुर राज रावण छल कपट से मेरी प्रिय पत्नी सीता को पंचवटी की कुटीर से उठा कर ले गया है। क्या आप बता सकते हो कि वो लोग किस दिशा में गए हैं? कुछ ये रहे वो गहने, क्या ये आपकी पत्नी सीता देवी के हैं? आप चिंतित ना हो भैया, हम सीता माता को जरूर वापस ले आएंगे। अंगद के साथ जो वानर सेना निकली, वो पहुंची एक विशाल समंदर। तुरंत हनुमान गए थे अपनी ताकत को भूल, क्योंकि बचपन में उन्होंने सूरज को था निगल खाया। आते ही हनुमान को याद, तुरंत मिट गया सारा विवाद, और हनुमान निकल पड़े लगा के सारा जोर।
फिर हनुमान पहुंचे अशोक वाटिका। सीता की दशा देख हनुमान हुए उदास और भारी मन से बोले जाकर सीता के पास। सीता माता, मैं हनुमान, श्री रामचंद्र ने भेजा है मुझे। तब इंद्रजीत ने प्रयोग किया ब्रह्मास्त्र का। उसे नहीं था पता कि ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हनुमान का, परंतु शस्त्र के सम्मान में हनुमान जी ने झुकाया अपना सिर। बंदी बना के ले जाए गए हनुमान रावण के दरबार में। फिर जय श्री राम। अब मजा चखाता हूँ तुम लोगों को, बस देखते जाओ। जलती पूंछ से लगा दी आग, सोने की लंका जलकर हो गई राख। हनुमान पहुंचे राम के पास और सीता के आभूषण दिए। ये है दरिया दिल विभीषण, ये हमारा साथ देंगे हर क्षण। फिर राम ने की समंदर देवता की पूजा। जिस दानव ने राम से भिड़ने की हिम्मत दिखाई, राम ने उसको जमकर 10 सिर काटने चाहे। फिर अयोध्या पहुँचे सब जन, दिए जलाए मनाया जश्न। भरत ने राम को राज्य सौंपा। फिर राम राज्य का युग आया। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। क्यों राजू, कुछ नहीं मिला? बहुत बढ़िया राजू। ये तो कोई भी कर सकता है। टोपी के अंदर क्या है? लड्डू। मुझे दो ना राजू। मुझे भी एक दो। ये तो मैं खाऊंगा। स्वादिष्ट। अब एक ही बचा है, तुम दोनों में से जो बड़ा है वो ये दूसरा लड्डू खाएगा। मैं बड़ा हूँ। नहीं, मैं बड़ा हूँ। इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? मुझे लगता है टुनटुन मौसी को पता होगा। मुझे भी एक विश मांगनी है। टूटता तारा कब दिखेगा? टूटता तारा किसी भी वक्त आ सकता है चुटकी। उस्ताद देखिए, वो रहा टूटता तारा। मेरी इच्छा है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी करेला ना खा पाए सिवाय मेरे। लगता है बहुत ज्यादा हलवा खा।
Oh!
तुम्हें क्या हो गया है ढोलू? तुम्हें अपने भाई से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अंधेरा हो रहा है, मुझे एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। ये गुफा सुरक्षित लगती है। डरावना दानव, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। बोलू कहीं नहीं मिल रहा, हमने उसे सब जगह ढूंढ लिया। किसी ने उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। चलो चलकर उसे जंगल में ढूंढते हैं। चलो। मेरा बड़ा भाई साबा भी बहुत घमंडी है, मैं भी यहाँ अकेले रहने आ गया। जब तक वो हमें ढूंढ नहीं लेते, हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। स्वादिष्ट छोटे लोग, शायद ये आवाज मेरे भाई ढोलू की है। और दूसरी आवाज वो मेरा भाई था। साबा, साबा मत मारो उस छोटे मनुष्य को, वो हमारा दोस्त है। बाबा, बाबा तुम सुरक्षित हो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। मुझे भी माफ कर दो भोलू, मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। और मेरे भाई का साथ देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने अच्छे जुड़वा भाई है ना ये दोस्त। ध्यान रखना कि अगर भीम और उसके दोस्त दिखे तो उनसे दूर चले जाना। हाँ, हमें उन बच्चों से दूर ही रहना चाहिए। चुटकी, तुम बताओ तुम्हें किससे डर लगता है? मुझे ये रेंगने वाले कीड़े, केचुए और हाँ सांप से तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रात में जब दीवार पर परछाइयाँ पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कोई भूत चुड़ैल है। ओहो, इसमें डरने की क्या बात है? एक कालिया तू बता, तुझे किसका डर है? हाँ? मैं शेर हूँ, शेर किसी से नहीं डरता। और हम भी किसी से नहीं डरते। क्या? हाँ, बस कालिया उस्ताद से डर लगता है। बाप रे बाप, ये कितना बड़ा महल है। आज चल के देखते हैं कि क्या हम इसमें रात बिता सकते हैं या नहीं। मुझे देखने दो। हाँ?
बहुत भूख लग रही है। पहुँचने ही वाले हैं। नहीं रुक जाओ, हमें अभी कुछ खाना है। ये क्या मुसीबत है, ये लीजिए महाराज। अब थोड़ा आराम करेंगे। अब क्या करें? ये लीजिए उस्ताद, इससे हवा कीजिए। तुम दोनों को तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। बचने के लिए ये साइबेरियन क्रेन्स हजारों मील उड़कर यहाँ आती हैं। फिर जब इनके देश में सर्दियाँ खत्म हो जाती हैं, तो ये उसी रास्ते उड़कर वापस चली जाती हैं। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? ये कैसे गधे हैं? गधे नहीं, ज़ेब्रास। देखा, अब ये हमसे नहीं डरेंगे, हमारे दोस्त बन गए हैं। हमें इन्हें वापस इनके झुंड तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। हाँ, वहाँ देखो, इनके पैरों के निशान गीली मिट्टी पर छपे हुए हैं। मतलब जरूर ये ज़ेब्रास उस तरफ से चलकर आए हैं। चलो हम इन निशानों के साथ साथ उस तरफ चलते हैं। पता चल जाएगा कि ये दोनों आए कहाँ से हैं, और शायद वहाँ इनके बाकी साथी भी मिल जाएं। अपना नौकर नहीं बना सकता। कालिया, वरना ये तो मासूम लग रहा है। बहुत हुआ कांगा,
कंगारू तो बड़ा ताकतवर है। भीम! कांगा कांगारू, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इसे तो चोट लगी है। चोट की वजह से ये खाना नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए ये ढोलू भोलू को ले आया अपनी मादा के लिए। ये बच्चे जमा हुए हैं हाई जंप की प्रतियोगिता के लिए। इन्हें प्रेरणा मिली जू में एक कैंगरू का करतब देख के। सो आज के मुख्य अतिथि हैं वही ऑस्ट्रेलिया से आए हुए मिस्टर कैंगरू। हर प्रतियोगी को 3 बार मौका मिलेगा एक हाइट कूदकर पार करने का। शुरू करते हैं आसान हाइट से, 1 फुट। तुम्हारे बस की बात नहीं राजू, अब तुम भी जाकर ढोलू भोलू के साथ बैठ जाओ। कुछ कहने की जरूरत नहीं राजू, करके दिखा दो। माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मुझे ज्यादा ही घमंड हो गया था। अगला राउंड शुरू करेंगे 5 फीट की ऊंचाई से। 5 फीट कोई बच्चों का खेल नहीं, फिर भी ये बच्चे बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, कोशिश करे जा रहे हैं। अभी तक इस राउंड में सिर्फ भीम और जग्गू ये ऊंचाई कूद पाए हैं। अब आ रहे हैं कालिया। वजन कुछ ज्यादा है, मुश्किल हो सकती है। क्या कहा? ये है, ये कालिया, तुम कर सकते हो। वाह, क्या खूब जंप थी। पर अगला राउंड जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये 3 खिलाड़ी कूदेंगे 6 फीट, जो कि ढोलकपुर का हाई जंप रिकॉर्ड है। की बहुत ही सुंदर जंप। बहुत खूब, बहुत ही अच्छे। आज कालिया भी फॉर्म में है, पर अब ये देखना है कि भीम और कालिया नया जंप रिकॉर्ड बना पाएंगे। 6 फीट 3 इंच कूद पाएंगे। कोई बात नहीं, अभी आप दोनों के पास 2 चांसेस और हैं। हाँ,
तुम बहुत अच्छा कूद रहे हो कालिया, पूरी कोशिश करना, आज नया रिकॉर्ड बना ही दो। और अब आ रहे हैं कालिया। मैं कर सकता हूँ, 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 मैं कर सकता हूँ। कालिया उस्ताद जिंदाबाद। कालिया उस्ताद जिंदाबाद। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? पर प्राइज लेने के लिए अभी थोड़ा और कूदना पड़ेगा। कालिया।